यहाँ उपस्थित है मीडिया के दोस्तों और सभी जनप्रतिनिधि मुखिया जी वार्ड सदस्य हाँ दिखा रहा है जिला परिषद सरपंच जितने लोग यहाँ उपस्थित है आज के नामांकन समारोह में स्वागत करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है सीतामढ़ी से लालटेन का झंडा लहराएगा। आप सब लोग देखिए पिछला चुनाव में सब लोगों ने मिल करके मेहनत की आशीर्वाद दिया और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल और सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि हम लोगों ने तो सरकार बनाने का काम किया था लेकिन कुछ लोग बेईमानी करके चार पांच सीट इधर सुधर कर देखिए नहीं सर अब सत्ता में आ गए तो हमारे थे बिहार विधानसभा में दिख रहा ना फिर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी में तनातनी हुई है बहसबाजी हुई है क्योंकि इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा जिताने का काम बिहार में चाहे चोर दरबार सैनिक सरकार हो लेकिन काम पे ध्यान देना चाहिए था बेरोजगारी हटाने की देश कदम उठाने चाहिए थे कारखाने लगाने चाहिए थे महंगाई कम करना चाहिए था किसान को खाद यूरिया नहीं सब चल रहा महंगाई कम करो किसानों की स्थिति को आय को दुगुना करो यार कैसे चल रहा शिक्षा चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थिति को बेहतर करना चाहिए यहाँ मौजूदा सरकार लड़ते थे सारा समय जो है बर्बाद करने का काम आप देखिएगा जनप्रतिनिधियों का कोई मान सम्मान इस मौजूदा सरकार में नहीं होगा चारों तरफ से अफसरशाही जो है वो लागू हो चुकी है अफसरशाही लागू हो चुकी है बताओ बिहार विधानसभा के स्पीकर कहते हैं कि मेरा थानेदार भी नहीं सुनता बिहार सरकार ने कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया अधिकारी नीचे आप समझ रहे हैं यहाँ पंचायत कितने लोग हैं यहाँ जनप्रतिनिधि लोग जन मंत्री एमपी बिहार विधानसभा के स्पीकर की सुनवाई नहीं हो रही मान सम्मान नहीं मिल रहा आप जो प्रतिनिधि है उनको ये सरकार में रहने वाले अधिकारी क्या मान सम्मान देने का काम करे इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है आप जो है कपूर किरण जी को दे करके लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम चुनाव में हम बोले कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो ये एनडीए वाला बोला कि 19 लाख देंगे 19 लाख कहाँ है कहाँ के 19 लाख रोजगार है भाई नीति आयोग का रिपोर्ट है उसमें हर सूचकांक में बिहार फिसल गिरा हुआ है हर चाहे पढ़ाई लिखाई गरीबी में सबसे ज्यादा बिहार गरीब हर दूसरा परिवार बिहार का पलायन करता है यहाँ अस्पताल की व्यवस्था तो आप लोग जाकर पूरी तरह से बदहाली है कोई काम नहीं हो रहा एक कर खड़ा नहीं सबसे पढ़ाने वाले लोग जो डिग्री धारी लोग हैं वो सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं कोई कर खड़ा नहीं लग रहा महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है लोग आने में चले जाइए भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा ब्लॉक का
बेटा पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा, अनाज जो है वो ढंग से नहीं मिल रहा, और कहा ना कर बेमारी बड़ी प्रेस काम तो नहीं करने का कोई काम। डेढ़ साल हो गया, अगर कोई किया तो बता दो। बोलता है कि 7 दिशे में बड़ा काम किए हैं, 90% जल जो है नल से आ रहा है। इंदिरा आवास में हुआ और इंदिरा आवास में पंद्रह केंद्र सरकार का, हम नहीं बोलते, केंद्र सरकार का नीति आयोग है उसने रिपोर्ट दिया कि बिहार 70% है। तो बताओ जो 15-16 साल से जिसकी सरकार एनडीए थी बोलता है ट्रबल इंजन है, हम कहते हैं ट्रबल इंजन। ये कहते हैं नीतीश कुमार जी कि अब नीति आयोग ने बोल दिया है कि सबसे गरीब राज्य है फिसड्डी है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दे। बोले ना भाजपा के लोग बोलते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं। अब आप बताए बिहार की सरकार और भारत की सरकार एनडीए का ही ना है, नीतीश जी के मंत्री है कि नहीं भारत सरकार, यानी पार्टनर हो गए यहाँ भाजपा वाला है कि नहीं। एक वो कहता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देने की गरीब है पिछड़े है। अरे मुख्यमंत्री जी 15 साल आप लोगों को होके राज करते हैं, आप ही मुख्यमंत्री रहे और बिहार फिर भी सबसे ज्यादा गरीब है तो उसका दोषी तो आप है। और आप विशेष राज्य का दर्जा किससे मांग रहे हैं? रशिया के राष्ट्रपति से मांग रहे हैं। भारत सरकार सारे सरकार बा बिहार सरकार झूठाओ के नौटंकी मतलब जानते कोई लोग बेवकूफ छप जाए। बताओ एक दूसरे को गाली गलौज कर रहा है लोग। 18 से 20 अभी तक नीतीश जी यात्रा पर निकलते हैं, कौन सा यात्रा भाई? समाज सुधार। समाज सुधार यात्रा तो बिना मुख्यमंत्री रह रहे कोई भी नेता कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर है तो बताओ मुख्यमंत्री जी को अधिकारी सुधार यात्रा पे जाना चाहिए था, सुधार अधिकारी हटाओ यात्रा पे जाना चाहिए था, गरीबी हटाओ यात्रा पे जाना चाहिए था, भ्रष्टाचार हटाओ यात्रा पे जाना चाहिए था, अधिकारियों का नकल करना चाहिए था। यही जगह है समाज पर। चलिए अच्छी बात है, सब लोग चाहते हैं नशा मुक्त हो, लेकिन एक कैसा कैसा फरमान निकालते हो भाई। शिक्षा तो बोलते कि जब दारू पी रहा है ढूंढ कर ला, टीचर महोदय की नौकरी परमानेंट मिला है ये नहीं, सैलरी मिली ले रहा टीचर लोग के, और टीचर लोग बच्चा लोगों के पढ़ाएगा कि खिचड़ी बनाएगा दारू वाले ढूंढेगा। अरे टीचर का काम है पढ़ाना, भविष्य को बेहतर करना, तो वो नहीं तो एक हेलीकॉप्टर नीतीश कुमार जी ले आए, वो हेलीकॉप्टर घूम घूम के दारू देखा। अब जरा पूछो इतना जिसे घूमा तो दारुआ कितना घटा है, कितना दारू हेलीकॉप्टर पकड़ा। अच्छी बात होती पकड़ता, लेकिन आपको नहीं लगता इतना फिजूल खर्चा ही करा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जितना घुमाई खाली दारू पकड़ने के लिए, अगर उतना में 4-5 दोषी पूरा अस्पताल नहीं बन जाता। कितना लोग का रेट पड़ा हुआ है हर विभाग में, शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में 2.5-2.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है रिक्त है पर। आपकी सरकार होती तो पहला ही कैबिनेट में पहला तरफ से 10 लाख को सरकारी नौकरी, लेकिन नहीं किया। खैर जो भी नहीं किया आप देखिएगा ऐसा कौन सा काम लोग कर रहे हैं भाई। पेपर पता हो 2013 का बहाली अब तक जो है नहीं निकला, अब तक नहीं भरा गया। 2013 में सोचे तो भरा होगा, उसका बोलता है वो आता है लोग हमारे पास कि भाई अब तो उम्रे खत्म हो तो हम बोले थे चिंता मत करो, पिछला चुनाव में हम बोले थे ना कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो जिसका उम्र भी खत्म हो गया जो भरा था समय पे, अगर बीपीएससी की गलती है भर्ती नहीं हुई सरकार की गलती तो उसको भी हम नौकरी देगा काम। अरे उम्र खत्म, यही जो मोदी जी का नारा लोग लगाता था 2014 में, आज कितना हो गया
22 कितना साल हो? 8 साल। और जो सोचो जो 20 साल का लड़का 2014 में लाड़ा लगा था, मम्मी जी मोदी जी आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसका तो सरकारी नौकरी निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया है? जो भी बात, लेकिन कोई परीक्षा ढंग से नहीं होता, मेरिट वाला को नहीं मिलता, जो चंदा चढ़ा देता, जो एग्जाम नहीं दे उसका भर्ती हो जाता, नहीं हो रहा जो चंदा दे रहा। और आप बताइए कि बिहार एक परीक्षा बताओ जिसमें पेपर नहीं मिला हो। पहले ही क्वेश्चन पेपर सब जगह लीक कर जाता है, मैट्रिक का हो या इंटर का, लीक करता है कि नहीं करता है? और हमको तो यही नहीं समझ रहा है कि संगली जीवनी कैसे पास कर जाते हैं। ऐसे चलता है सरकार भाई, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हर जगह हत्या अपहरण लूट हो रहा है, सब जगह देख। हम पार्टी में जितने लोग मंच पे हैं, सभी विधायक लोग हैं यहाँ, सब लोग आए हुए हैं, सब लोग को बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आप जानिए आज 14 तारीख का बड़ा शुभ दिन है और हम लोग 24 सीट पर लड़ रहे हैं, तो आज 16 जगह नामांकन लोग कर रहे हैं। और हम पटना से चले वैशाली होके फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अब जाएंगे मुजफ्फरपुर, फिर जाएंगे मुंगेर, फिर जाएंगे कटिहार, एक कोना से वो कोना, तो उसमें समय कम है, इसलिए हम आते ही हम बोलने लगे। लेकिन पार्टी के जितने भी यहाँ पदाधिकारी नेता कार्यकर्ता सब लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। ये कोई खबू खिरण जी का चुनाव नहीं है, ये जितना इनका चुनाव उतना आपका भी चुनाव, उतना मेरा भी चुनाव है, उतना आप सबों का भी चुनाव है। पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी का जो निर्णय हुआ उसको हम लोगों को बेखूबी निभाने का काम करना। कई लोग होता है स्टेज पे खाली फोटो खिंचाऊं देता हूँ, सेल्फी लेता, इधर हम करेंगे उन्हें ले लो, सब पे नजर है। कोई सोचता है कि हम नहीं देखते हैं, नहीं समीक्षा करते हैं या बोलते नहीं है, तो इसका ही मतलब नहीं कि हमको पता नहीं। हम सब लोगों से अपील करेंगे कि कोई हेरा फेरी नहीं, पार्टी लाइन पे सब लोगों को काम करना है। और जब हमें जिम्मेवारी मिली है पार्टी की, तो अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, ऐसे लोगों की हमको जरूरत नहीं जो पार्टी में रह के पार्टी को दीमक की तरह खाने का काम करे। आपके काम के आक्रम से ही सदस्यता अभियान भी चल रहा है, विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। तो हम सब लोग आप लोगों से भी अपील करते हैं, किसी की कोई पसंद है, लेकिन सीटवा एक ही ना है। अरे विधानसभा में कितना है? 243, तो 243 से ना लड़ेगा, रुकिए ना भैया, निकलते हैं। जो निर्णय होगा, विचारधारा, नीति, सिद्धांत, इस पे हम लोगों को, अब ये बीजेपी का लोग तो नफरत फैलाता है, आज तक हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आज सत्ता में बैठे हुए लोग काम इसलिए भी नहीं करते क्योंकि गलती देना गई हम लोगों को, हम लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बैठे, नफरत फैलाने वालों की सुनते नहीं, सुनना चाहिए। वो जानता है उसको क्यों वोट मिल रहा है, या बिहार में इतनी गरीबी क्यों है भाई, इतनी बेरोजगारी क्यों है, इतना पलायन क्यों है, इतना हर चीज देखेगा तबाह हुए लोग परेशान थे, इसलिए लोग नहीं काम करता क्योंकि वो लोग जानता है जात के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत फैला देंगे, हिंदू मुसलमान फैला देंगे तो उनका वोट मिल जाएगा, इसलिए मुद्दे की बात नहीं करने देते लोग। इसलिए
हम सब लोगों को मुद्दे की बात करनी चाहिए, मुद्दे पे रहना चाहिए। अरे सरकार है तो पूछो कहाँ मेरा 19 लाख रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं शिक्षा सुधार रहे हो, क्यों नहीं भ्रष्टाचार मिटा रहे हो, क्यों नहीं पलायन रोकते हो? इसलिए सवाल पूछिए, सवाल आज के लोग कम कर दिए पूछना, केवल फेसबुक पे ही नहीं सवाल पूछिए। भाजपा के लोग आए या सरकार के लोग आए, मुख्यमंत्री आए तो सवाल पूछना होगा। उसलिए आप सब लोग तो मौका है, जो हम लोगों के सरकार को नहीं आने दिया छल कपट से, चारे पांच सीट का गठबंधन किया, 12,000 का हमारा उसका गठबंधन में डिफरेंस था, पूरे बिहार में हमको मिला 1 करोड़ ये मौका है जो जनादेश का अपमान किया आप लोगों का, ये मौका मिला है सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का। और उसको बोलो हम तुमको नहीं जिताएंगे, हम तुमको हरा के भेज रहे, दोबारा आओगे तो 19 लाख दोगे तभी हम कुछ करेंगे, वरना नहीं। प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ तो हम ही अकेले लड़ेंगे, हम ही अकेले लड़ेंगे, बल कौन देगा, ताकत कौन देगा, आप क्या दोगे? और देख लीजिए हम तो एक मौका ढूंढ रहे थे पिछले बार, आप लोगों ने दे दिया लेकिन फिर भी आप लोग हम इतना कहना चाहते, मेरा बस एक अरमान है, एक बार हमको अगर मौका मिले तो बिहार से बेरोजगार का साथ है कि नहीं है। जितने यहाँ मतदाता लोग हैं, जनता है, अपने अपने जनप्रतिनिधि से अपील कीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को वोट देने का काम है। और कुछ लोग हैं खड़ा किए हुए वोट कटुआ चाहता है कि बांटे, अरे भाई सबसे बड़ी शक्ति हम है, हमारी पार्टी है, इधर बटना नहीं है, गड़बड़ नहीं होना है। कुछ लोग थोड़ा सा बल लगा देते तो बेमानी भी नहीं कर पाता। सरकार आज आपकी होती, और इसलिए कह रहे कि आप लोग को बल लगाना पड़ेगा। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए मंच पे भी जितने हमारे पदाधिकारी हैं सब लोगों से अपील करते हैं, पार्टी लाइन पे सब लोग मिल करके एकजुट होकर के काम करने का काम करें। और बाकी सब हम लोग देख लेंगे, आप सब लोगों की अगर अनुमति हो तो विधेयक के वाले पहरा दे, दोनों हाथ उठा के पहरा दे, आपको धन्यवाद। हम लोग सबको लेने दीजिएगा।